फारूक नाजकी साहब एक एरा थे वो सिर्फ़ एक ब्रॉडकास्टर एला पाए के ब्रॉडकास्टर नहीं थे एक बड़े अच्छे मरूफ़ शायर थे नक़ाद थे उर्दू और कश्मीरी दोनों ज़बानों में लिखते थे और उसके अलावा एक पुरखलूस शख्सियत के मालिक थे मैंने उनके साथ काम किया है मैं उनके ज़माने में न्यूज़ एडिटर था वो डायरेक्टर थे और बाद में मैं जब डायरेक्टर न्यूज़ बन गया तब भी वो कुछ दिन तक वहाँ थे उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई तब मैं जॉइंट डायरेक्टर था उसके बाद में डायरेक्टर बन गया लेकिन एक ऐसे शख्स थे वो जिनसे हम जैसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि हम जहाँ शख्सियत थे, उनके कई रंग थे अगर आप उनके कलाम की बात करें उनके उसमें इतना मिजा था वो लोगों को हंसाते थे ख़ुद भी हंसते रहते थे और उसके साथ साथ इतने पढ़े लिखे थे उनका मुतालबा मुताला इतना गहरा था तारीख पे, अदब पे, ब्रॉडकास्टिंग पे कि इंसान हैरान रह जाता था कि इस एक शख्सियत में कितना इलम भरा हुआ है कूट कूट के भरा हुआ है मुझे ज़ाती तौर एक बड़े भाई की हसीियत से ये मेरे लिए एक ज़ाती नुकसान है और उनसे जो ख़ला पैदा हुआ इसमें मैं आपको बताऊं न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि कश्मीरी शायरी बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में इसको पुर करना बहुत मुश्किल की बात है बड़ी मुश्किल से फारोक नाजकी जैसे लोग पैदा होते हैं और बड़ी नाज मुश्किल से इन जैसे लोगों की हम शख्सियत से इस्ता किया जा सकता है अल्लाह उन्हें मगफरत करे फ़ारूक नाजकी साहब का इस दुनिया से जाना मेरे लिए ज़ाती नुकसान है मैं अपने वालिद के गुज़रने के बाद उनकी तरफ़ देखता था मशवर उन करता था वो मेरे बड़े शफीक उस्ताद थे वो दोस्त बा उस्ताद थे उनकी हर बात पे मैं यकीन करता था इतना भरोसा था मुझे इतना यकीन था मुझे उन पर वो हम शख्सियत थे शायर गजब के प्ले गजब के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गजब के जो भी काम उन्होंने किया दूरदर्शन में या रेडियो में वो काबिल नहीं, बल्कि वो उस रेडियो के ख़जाने का एक अहम हिस्सा है रेडियो की लाइब्रेरी का उसी तरह से दूरदर्शन की लाइब्रेरी में जो कुछ है अगर उसमें फ़ारु नाज की कुछ चीज़ें हैं वो तो सालों साल तक अरे सदी तक के लिए वो चलती रहेंगी उनकी शख्सियत बतौर टेलीविज़न मैन के शो मैन के कौन नहीं जानता फारु नाजकी को जब अलाव सीरियल चलता था कौन नहीं जानता फारुक नाजकी साहब को जब आप मब सीरियल चलता था दूरदर्शन श्रीनगर से उन दिनों श्रीनगर दूरदर्शन इन्फेंसी में था अभी इन्हें बनने के उभरने के मराहल से गुजर रहा था लेकिन फारूक नाजगी साहब ने ऐसी जहतें दी दूरदर्शन श्रीनगर को कि वो बुलंदियाँ छूने लगा मौत बरह है अलील थे कई दिनों से कई महीनों से मैं जब उनको पिछली बार देखने गया उस वक्त उनका डायलिसिस हो रहा था लेकिन डायलिसिस करते करते कि डॉक्टर से कहा कि इनको मत रोको ये मेरा बेटा है और मैं उनसे मिला मैंने कहा उस्ताद अच्छी बात नहीं है इस तरह से बेड पे लेटे रहना कह नहीं ये नहीं मुझे मरने से डर नहीं लगता लेकिन मैं डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे चाहने वालों को क्या होगा वो आज आपके सामने है। चाहने वालों की आंखें नम हैं और दिल फसुरदा है ये बड़ा नुकसान है फारो नाजी साहब का जाना शायरी के लिए कश्मीरी अदब के लिए कश्मीरी महफिलों के लिए वो महफिला थे वो अंजुमन थे महफ़िलों की रौनक थे वो दोस्तों के दोस्त थे और दुश्मनों के भी दोस्त थे मैंने उनको कभी गु़स्सा होते नहीं देखा कभी किसी के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें करते नहीं देखा वो जब भी मिलते थे ऐसा लगता था कि दोस्त से मिल रहे हैं और बॉस से नहीं मिल रहे हैं जब मैं भी डायरेक्टर बन गया तो मुझसे कहने लगे अब तो आप भी डायरेक्टर हो गए हमारे बराबर आ गए मैंने एक जवाब दिया था जो वो उस के बड़ा खुश हुए थे मैंने कहा बाप के कद को पहुंच के बेटा बाप नहीं हो जाता अगर मैं आपके कद को छू रहा हूं तो फिरन मेरा आपका बराबर हो गया उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी जगह ले फारुख फारूक की साहब की जगह कोई नहीं ले सकता मैं तो फील कर रहा हूँ कि मेरा वालद आज फिर गुजर गया